थंबनेल देखकर आए हैं या पुरानी वीडियो देखकर आए हैं, तो भी यह वीडियो आप ही के लिए है और बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस पार्ट में मैंने आपको क्या स्पेशली बताने के लिए बुलाया था या फिर क्या मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, आप जब प्रोग्राम को ओपन करते हैं, नोटपैड को, एक्सेल को, वर्ड को, तो आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो वन टाइम में वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हो और आप टाइम देकर ओपन करें, तो उसके लिए देखें हमने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक प्रोग्राम ऑटो स्टार्ट करके एक सॉफ्टवेयर बना कर रखा है जो कि नोटपैड से। मैंने पहले वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से बताया है कि आप नोटपैड की सहायता से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बैच फाइल बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा और भी नोटपैड में वो चीजें बताऊंगा जो अभी तक यूट्यूब पर या आपके टीचर भी नहीं बताए हैं, और उसके बाद में अंत में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो इसे डबल क्लिक करते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक किया तो देखें यहाँ पर एक कंसोल मोड में डास प्रोग्राम खुल गया है, और साइड में देखें तो ऑटोमेटिक ही पेंट प्रोग्राम खुलकर आ गया है और यहाँ पे टाइमिंग चल रही है। और देखें 5 सेकंड बाद फिर से नोटपैड ओपन हो गया है और पुनः यहाँ पे टाइमिंग काउंट हो रही है। अब देखते हैं अगला प्रोग्राम हमारा कौन सा ओपन हो रहा है। दोस्तों बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ही वर्ड पैड यहाँ पे देखें ओपन हो चुका है और फिर से हम नंबर को काउंट देख रहे हैं। देखें यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया और फिर से नंबर को काउंट कराया जा रहा है। तो फिर हम वेट कर रहे हैं कि देखें अब कौन सा प्रोग्राम ओपन होने वाला है। वाह, देखें एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप डेली रूटीन में जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, आप बार बार उसे ओपन करते हैं और 4 बार 5 बार क्लिक करते हैं और टाइमिंग लगाते हैं, तो उससे बेस्ट है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना दें जिसकी मदद से सिंगल क्लिक की मदद से आप आसानी से सभी प्रोग्रामों को समय देकर रिस्टार्ट करवा दें। और साथ ही साथ और मजे की बात यह है कि आप उन प्रोग्रामों को अपनी इच्छा अनुसार टाइमिंग पे बंद भी कर सके बिना कुछ उन्हें छुए। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे बंद कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों उसके लिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक और यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम ऑटो स्टार्ट। अब मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने इसे डबल क्लिक किया ऑटोमेटिक देखेंगे तो ये सभी के सभी प्रोग्राम टाइमिंग के अनुसार बंद होते जाएंगे। जैसा कि अभी पेंट क्लोज हो चुका है, दूसरे नंबर पे देखते हैं कौन सा प्रोग्राम, और ये नोटपैड क्लोज हो चुका है। फिर से टाइम दिखाया जा रहा है यहाँ काउंट करके कितनी देरी बाद आपका दूसरा प्रोग्राम बंद होने वाला है, और ये वर्डपैड क्लोज हो चुका है। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन प्रोग्राम क्लोज हो रहा है, और कैलकुलेटर भी बंद हो गया। टाइमिंग फिनिश और इस प्रोग्राम का काम खत्म हो गया। तो दोस्तों आपने नोटपैड पढ़ा होगा लेकिन ये चीजें आपने नोटपैड में सीखी नहीं थी, ये नोटपैड में ही मैंने बताई थी, और ये बहुत छोटी सी ट्रिक है। अभी आगे के वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नोटपैड के टिप्स एंड ट्रिक जो कि अभी तक आपके कंप्यूटर टीचर या किसी ने भी अभी आपको बताया नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, और नोटपैड को ओपन करने का मैंने शॉर्टकट पहले वाले वीडियो में बताया था, यानी कि पार्ट वन में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या ऊपर आई बटन में देखें तो वहां पे कुछ टेक्स्ट सजेस्ट हो रहा है, उसे आप टैप या क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लें। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को देख लें तो ही यह वीडियो देखने में मजा आएगा। लेकिन अगर वो वीडियो देख चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने शॉर्टकट बताया था कंट्रोल अल्ट ओ, जैसे प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ही नोटपैड ओपन हो जाएगा। देखें नोटपैड ओपन हो चुका है। अब इसमें कुछ टेक्स्ट की हमें जरूरत होगी, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने ये फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प सब कंप्लीट कर दिया था, और इन सब लेआउट को भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नोटपैड में ऐसा क्या बताने वाले हैं, ये सब तो बता ही चुके हैं। तो दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने वो सब कुछ सीखा है, तो हर जगह सिखाया जाता है, कोई भी सिखाता है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ ये आपको कोई नहीं बताता है, और ये विकल्प उसी में मौजूद रहते हैं। तो उसके लिए मुझे कुछ टेक्स्ट की जरूरत होगी, तो मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने से पहले देखें यहाँ पे कोई पर भी स्क्रॉल बार मौजूद नहीं है, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। तो अब यहाँ पर आपको क्लिक रखना है और एडिट में जाकर आपको पेस्ट को क्लिक करना है, या अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी प्रेस करना है। तो मैंने कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेस किया देखें यहाँ पे वर्टिकल बटन बार सक्रिय हो गया है, क्योंकि आप फॉर्मेट में जाके देखेंगे तो वर्ड रैप सक्रिय है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर जो इसका चेक मार्क हटा देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली काम करने लगता है, जिससे कि स्क्रॉल बार को आप लेफ्ट एंड राइट करके पूरे कॉन्टेंट को पढ़ सकते हैं।
लेकिन ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है, तो इसलिए फॉर्मेट में जाकर वर्ड रैप को हम चेक मार्क लगा देंगे और वर्टिकली इसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पर देखें वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्योंकि इसका उपयोग भी मैंने बता दिया है, तो आपको इस पर क्लिक रखना है और इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह स्क्रॉल हो रहा है और आप टेक्स्ट को वैसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इस तरह स्क्रॉल करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं इस बटन के बारे में। तो ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको नजर आ रहा है, इस स्क्रॉल बार पे यदि आप राइट क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलकर आ रहा है। तो सबसे पहला विकल्प इसमें हम देख लेते हैं स्क्रॉल हियर, जहां पर भी आपने राइट क्लिक किया है अगर जो स्क्रॉल हियर को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ही यह आपका बटन यहाँ पर स्क्रॉल होकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, देखें जहां पर मैंने राइट क्लिक किया था, मान लेते हैं अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया राइट और स्क्रॉल हियर, देख पा रहे हैं। यदि आप सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, आखिरी टॉप में जाना चाहते हैं, तो कहीं पर भी राइट क्लिक करें और टॉप, जैसे ही टॉप को क्लिक करेंगे देखेंगे हमारा वर्टिकल बटन बार ऑटोमेटिक ही टॉप पर चला जाएगा। पुनः आप इस पर राइट क्लिक करें और देखें बॉटम, जैसे ही बॉटम को क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक ही हमारा यह बार सबसे नीचे चला जाएगा और सभी के सभी कॉन्टेंट ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो जाएंगे ऑटो। देखें हम आखिरी में पहुंच चुके हैं, पुनः इस पर राइट क्लिक करते हैं और अगला विकल्प आता है हमारा पेज अप, एक एक पेज ऊपर जाने के लिए। देखें एक पेज स्क्रॉल हुआ है, पुनः पेज अप, पुनः पेज अप, पुनः पेज अप। अगर जो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से शॉर्टकट की मदद से जाने चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में पेज अप की बना हुआ है, आप उसे प्रेस करके भी एक एक पेज ऊपर जा सकते हैं, जैसा कि अभी मैं प्रेस कर रहा हूं। यदि इसी तरह आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो पेज डाउन का उपयोग कर सकते हैं एक एक पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के लिए, आप देख पा रहे हैं। और इसके लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पे शॉर्टकट बना है पीजी डाउन या पेज डाउन, तो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो भी लिखा हो पीजी डाउन या पीजी डीएन, तो उसे आप प्रेस करें, देखेंगे एक एक पेज आप नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहे हैं। अगला विकल्प हमारा आता है स्क्रॉल अप, आप ऊपर की तरफ एक लाइन स्क्रॉल करना चाहते हैं, एक लाइन, देखें एक एक लाइन स्क्रॉल हो रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप समझ नहीं पा रहे एक लाइन कैसे स्क्रॉल हो रहा है, तो उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा कि मैंने लाइन सेलेक्ट कर लिया है और इस पर राइट क्लिक करके आपको स्क्रॉल अप करना है। जैसे मैंने स्क्रॉल अप किया देखें एक लाइन ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो गया, पुनः इस पर राइट क्लिक करके स्क्रॉल अप, देख पा रहे होंगे कि दो लाइन हमने स्क्रॉल कर लिया, पुनः स्क्रॉल अप, देखेंगे एक एक लाइन स्क्रॉल हो रहा है। वैसे ही नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और राइट क्लिक करके अगला विकल्प स्क्रॉल डाउन इसे क्लिक करना है। देखें तीसरे नंबर की लाइन दिखने लगी, एक लाइन और चाहिए तो स्क्रॉल डाउन, देखेंगे तो इस प्रकार एक एक लाइन आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमने सीखा कि वर्टिकल बटन बार पे राइट क्लिक करते हैं तो इतने विकल्प आते हैं और इन सभी का उपयोग। दोस्तों यदि इनमें से कोई भी विकल्प आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अभी जाइए और टाइप कर दीजिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं स्पेशली आपको अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। चलिए अब दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा क्या हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों फिर से आपको फॉर्मेट में जाना होगा और यहाँ से वर्ड रैप को हटाना होगा, इसलिए कि अब हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बारे में सीखना चाहते हैं। तो वर्ड रैप को हमने हटाया तो देखें नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ चुका है। अब आप इस पर राइट क्लिक करें, अब इस पर जब आप राइट क्लिक करते सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है, क्योंकि वह वर्टिकली होता है और यह हॉरिजॉन्टली होता है। तो इसे समझने से पहले एक चीज और समझ लें कि देखें यहाँ पे कॉर्नर में ये बटन नजर आ, वैसे ही वर्टिकल में भी नजर आ रहा था, तो इसमें बोलते हैं टॉप एंड बॉटम। आप चाहें तो इसे क्लिक करके भी एक एक लाइन को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हॉरिजॉन्टल में इसको बोलते हैं इज, इसको इस तरह से बोलते हैं कि जैसे समझ में आए बोल रहे हैं इज, इसकी मीनिंग होती है ई डी जी ई इज। तो इस पे आप अगर जो क्लिक करते हैं तो एक एक कैरेक्टर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं और अगर जो दूसरी तरफ आ जाए तो एक एक कैरेक्टर आप राइट जाते हैं। नहीं समझ में आया तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एन नजर आ रहा है, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखें एक स्पेस है, मैंने इसे क्लिक किया, देखें एन गायब हो गया और यहाँ पे स्पेस के पास हम आ चुके हैं। एक बार और क्लिक करते हैं तो देखें स्पेस और दो खत्म हो गया। ऐसे ही आप एक एक कैरेक्टर को स्क्रॉल कर सकते हैं। चलिए अब सीख लेते हैं इस पे राइट क्लिक। जैसे हमने राइट क्लिक किया तो सबसे पहला विकल्प देखिए स्क्रॉल हियर, ये मैंने अभी वर्टिकली बताया था कि जहां पर आप राइट क्लिक करके स्क्रॉल हियर को क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक आप वहां पर चले जाएंगे। देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वहां पर स्क्रॉल होकर आ चुका है। थोड़ा सा आप इसे और छोटा कर देते हैं तो
और अच्छे से यह दिखाई देता है। चलिए यहाँ पर उसे ला रहे हैं हम, राइट क्लिक और स्क्रॉल हियर, देखें यहाँ पर आ गया। चलिए अगला विकल्प देखें, राइट क्लिक और लेफ्ट एज, यानी कि लेफ्ट साइड में एज के पास आ जाए। एज का मतलब है आखिरी, किनारा, अंत। तो इसे मैंने क्लिक किया, देखेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बटन जो है ऑटोमेटिक आखिरी पर पहुंच जाएगा। देखें अब हमने राइट क्लिक किया, अब हम चाहते हैं राइट एज, क्लिक किया, देखिए राइट में पहुंच गया। अब इधर की तरफ स्क्रॉल या नहीं होगा। अगला होता है पेज लेफ्ट, एक पेज लेफ्ट साइड जाए, एक पेज पुनः लेफ्ट, एक पेज पुनः लेफ्ट। यदि वैसे ही आप राइट की तरफ आना चाहते हैं तो पेज राइट, एक एक पेज आप राइट आ सकते हैं। और अगला हमारा विकल्प आता है स्क्रॉल लेफ्ट, जो अभी हमने क्लिक करके आपको दिखाया था। एक बार क्लिक करेंगे तो एक एक कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ जाएगा, और वहीं पर राइट करते हैं तो एक एक कैरेक्टर राइट की तरफ जाएगा। तो इस तरह आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर राइट क्लिक और इन बटन के बारे में आपने सीख लिया। अब हम बात कर लेते हैं राइट क्लिक की। जब आप अपने नोटपैड विंडो के टेक्स्ट एरिया में जब आप राइट क्लिक करते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं वर्ड रैप को लगा दूं और इसमें से कुछ टेक्स्ट को मैं डिलीट कर दूं। इसे डिलीट करने के लिए आप सिलेक्ट करना जानते हैं, तो इसे सिलेक्ट कर लें और इसे डिलीट। अब देखिए हमारे पास कुछ ही टेक्स्ट बचे हुए हैं, अब क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करना है। जैसे हमने राइट क्लिक किया तो सबसे पहला विकल्प आ रहा है अंडो, हमने पार्ट वन में बता दिया है, कट कॉपी पेस्ट डिलीट सिलेक्ट ऑल, ये हमने ऑलरेडी आपको पार्ट वन में बता दिया है, आप पार्ट वन वीडियो को देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या ऊपर आई बटन में भी देखेंगे तो वहां पे टेक्स्ट सजेस्टेड हो रहा है, आप उसे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगला विकल्प आ रहा है राइट टू लेफ्ट रीडिंग ऑर्डर, ये जो रीड यानी कि पढ़ने का जो ये मेथड है, हम इधर की तरफ से पढ़ रहे हैं यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे टू चेंज द वे अ पिक्चर फिट्स इन योर डॉक्यूमेंट क्लिक इट एंड बटन फॉर लेआउट, लेकिन आप चाहते हैं कि यह राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ से व्यवस्थित हो जाए, देखें इधर की तरफ से व्यवस्थित हो रहा है, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और राइट टू लेफ्ट रीडिंग ऑर्डर को क्लिक करना है। अब देखेंगे इधर की तरफ से यह व्यवस्थित हो चुका है और इधर ऊबर खाबड़ नजर आ रहा है, और आपका जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है देखेंगे तो इस साइड नजर आने लगा है। चलिए अगला विकल्प हम देख लेते हैं। अगला विकल्प होता है शो यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर्स। यूनिकोड यानी कि ये जो नोटपैड है सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही टाइपिंग की जाती है, हिंदी में टाइपिंग नहीं कर सकते और स्पेशल कैरेक्टर को नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी कोडिंग करने के लिए जैसे कि HTML की, जावा की, बहुत सारे प्रोग्राम की कोडिंग करनी होती है तो कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर लाने होते हैं जो कि यूनिकोड के माध्यम से लाए जाते हैं, तो उनको अगर जो इसमें डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए इस विकल्प को ऑन किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, यहीं पर देखें अगला विकल्प आ रहा है इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेरा कर्सर कहां पर है, तो देखें मेरा कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पुरानी अवस्था में कर दे रहा हूं। चलिए मैंने क्लिक किया, देखें अब कर्सर हमारे पुराने पोजीशन में आ गया। अब आपको यहां राइट क्लिक करना है और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर के अंदर जाकर देखें तो यहां पे सबसे पहला विकल्प आ रहा है लेफ्ट टू राइट मार्क, इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो देखेंगे यहां पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, चलिए एंटर कर लेते हैं। पुनः हमने राइट क्लिक किया और एक और ले लेते हैं राइट टू लेफ्ट मार्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, चलिए एंटर करते हैं। पुनः एक और देख लेते हैं और हमने अगला विकल्प ले लिया जीरो विथ नॉन ज्वाइनर, फिर भी कोई अंतर नहीं हुआ, नहीं प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यूनिकोड कैरेक्टर्स को हमने ऑन नहीं किया है कि वो हमें दिखाई दे, क्योंकि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, ये सिर्फ टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करता है, तो उसके लिए इस पर राइट क्लिक करें और शो यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर्स को क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने बनकर आ गया है, देख पा रहे हैं कि तीन हमने यूनिकोड कैरेक्टर को इंसर्ट कराया था, क्योंकि ये कैरेक्टर हमारे टाइपिंग के अंतर्गत इनका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए इन्हें दूसरे कैटेगरी में रखा गया है जिन्हें इंसर्ट कराने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कोडिंग के दौरान किया जाता है, नॉर्मल टेक्स्ट में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ से ऐसे ही और यूनिकोड कैरेक्टर्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोटपैड और सिस्टम आपके पास है, आप इसे एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगला विकल्प आ रहा है ओपन IMEI। तो सबसे पहले दोस्तों हम IMEI का मतलब समझ लेते हैं। तो IMEI एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर यूजर को एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का उपयोग कर जटिल कैरेक्टर और सिंबल जैसे कि जापानी कैरेक्टर को दर्ज करने की अनुमति देता है, क्योंकि इसमें जो कि पहले से ही मानक सेट कर दिया गया है USA द्वारा यूनिकोड को, तो वही इसमें डिस्प्ले होता है, बाकी कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड लगाना होता है, परंतु ध्यान रहे
कि हमारे लिए नहीं है और हमारे कीबोर्ड द्वारा उपयोग नहीं होता, इस पे आप कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप इसे क्लिक करते हैं तो, सिर्फ इसमें ओपन और क्लोज को डिस्प्ले किया जाएगा, क्योंकि हमारा इस कीबोर्ड जो है जिस टाइपिंग मकसद के लिए बनाया गया वो सभी को पूरा कर देता है। लेकिन अगर जो आप जापानी कैरेक्टर या अन्य कैरेक्टर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारे कीबोर्ड से वो इंसर्ट नहीं होगा, वो जापानी कीबोर्ड द्वारा ही होगा। तो अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। अगला विकल्प होता है हमारा रिकन्वर्जन। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो अगला विकल्प हमारा आ रहा है रिकन्वर्जन। तो रिकन्वर्जन यह उन उपयोगकर्ताओं को अनुमति देता है जो किसी शब्द को ध्यानात्मक वर्तनी और कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो स्क्रीन पर एक इमोजी टाइप का कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि हम लोगों के कीबोर्ड के द्वारा यह संभव नहीं है। इसका उपयोग पश्चिमी जो लोग हैं वो स्पेशल कीबोर्ड के द्वारा करते हैं, जिससे कि ध्वनि बनाने में या किसी तरह का कोई कोडिंग बनाने में किसी कैरेक्टर को यूज करते हैं तो उसके लिए रिकन्वर्जन का उपयोग किया जाता है, यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने स्पेशली और एडवांस के तौर पर नोटपैड की पार्ट टू वीडियो में हमने सीखा वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर राइट क्लिक करने पर क्या क्या विकल्प मिलते हैं और उनका उपयोग, और अपने टेक्स्ट एरिया में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उसमें क्या क्या विकल्प मिलते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने दिखाया था आपको कि एक समय में कई प्रोग्राम को टाइम देकर स्टार्ट करना और फिर उसे टाइम देकर क्लोज करना। अब साथ ही साथ मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं या किसी भी प्रोग्राम में और आपको टाइम देखना होता है तो आप सीधे टास्क बार के कॉर्नर पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि 6:17 हो रहा है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल यहीं पर पूछना चाहता हूं कि जब आप टाइम देख रहे हो तो क्या अभी आप सेकंड बता सकते हैं कि 6:17 कितना सेकंड हो रहा है? नहीं ना, शायद आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कई दफा कई प्रोग्राम में देखा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यदि होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपने कैसे ये पता किया है या फिर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है टाइम, जब मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये प्रोग्राम ऑटो रन होगा। तो चलिए देख लेते हैं, मैंने जैसे डबल क्लिक किया तो देखें यहाँ पे 6:18 और यहाँ पे सेकंड चल रहा है 3, 4, 5, 6, साथ ही साथ यहाँ पे नैनो सेकंड भी दिख रहा है, क्योंकि यह कंप्यूटर का टाइमिंग है तो 6 बज रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से 18 बज रहा है। तो 12:18 देखें यहाँ पे 18 सेकंड और यहाँ पे बगल में नैनो सेकंड भी चल रहा है। आप ऐसे ही छोड़ दे, एक एक सेकंड को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा। और आपने हॉलीवुड की मूवी या और बहुत सारी मूवी में देखा होगा तो उसमें रैंडम की चलते रहते हैं ऑटोमेटिक ही बैकग्राउंड में, हैकिंग वगैरह का जब दिखाया जाता है तो उसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा है। जैसे देखें यहाँ पे रैंडम, मैंने इसे डबल क्लिक किया तो देखें ये ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा जब तक कि मैं इसे रोक न दूं या फिर इसे इजाजत न दूं कि तुम रुक जाओ। देख पा रहे हैं? चलिए इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूं। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि नोटपैड में आप छोटे से ट्रिक का उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर में करंट टाइम को जान सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने नोटपैड को ओपन कर लेना है और टाइप करना है डॉट और कैपिटल लेटर में LOG और इसे सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए मैं क्लोज कर रहा हूं और यहाँ पे सेव ऑप्शन आएगा, मैं सेव को क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आपको कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैंने नाम दिया पवन इन्फो टेक और सेव। जैसे ही मैंने सेव किया देखें डेस्कटॉप पर ये यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे आप इसे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर का करंट टाइम और डेट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो है ना जादू ही चीज। तो दोस्तों मैंने पार्ट वन में ही बता दिया था कि ऐसी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है और ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। अब भी यकीन नहीं हुआ तो मेरे चैनल पर बने रहिए आप सब्सक्राइब करके और बगल में नोटिफिकेशन आइकन को दबा करके, इससे भी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब चीज सीखने को मिलती है जो कि अन्य इंस्टीट्यूट या अन्य लोगों द्वारा नहीं बताया जाता है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन और लाइक करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स और नई बेहतरीन जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।